बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर पढ़ना है ऐसे ठीक से। ऐसे वेक्टर आपका मैथ में पढ़ना रहेगा 12th क्लास में, और 11th क्लास में आपका फिजिक्स भी जानना है। तो वेक्टर जानने से पहले जानिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी इसको हिंदी में क्या बोलेगा? भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आ गया? जैसे कि आपका बर्थ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और क्या आपका मोमेंटम आ जाएगा, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जैसे कि क्या क्या हुआ आपका बर्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम और कुछ होगा और क्या, इम्पल्स, ये सब जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में किसी में डायरेक्शन फिक्स होता है और किसी में डायरेक्शन फिक्स आपका नहीं होता है। अब जिसमें डायरेक्शन फिक्स होगा उसको वेक्टर के कैटेगरी में रखना है, और जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा मतलब डायरेक्शन का कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगा, उसका कोई मास नहीं रहेगा, वो आपका स्केलर में चल जाएगा। जैसे कि देखिएगा बर्थ में डायरेक्शन का कोई मास नहीं होता है, ये किस में चल जाएगा? स्केलर में होगा। डिस्टेंस में भी डायरेक्शन का कोई मास नहीं, ये क्या होगा? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, ये किस में आपका? वेक्टर में। टाइम में डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर आपका स्केलर में। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेक्टर आपका वेक्टर हो जाएगा। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर आपका स्केलर हो गया। फोर्स में डायरेक्शन होता है, ये क्या आपका वेक्टर हो गया। मोमेंटम में डायरेक्शन होगा होता है, ये क्या आपका वेक्टर हो गया। इम्पल्स में डायरेक्शन नहीं होगा, क्या आपका स्केलर हो गया। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा और कुछ में आपका डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में क्लासीफाई किया गया, एक वेक्टर और दूसरा क्या आपका स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में आपका क्लासिफाई किया गया, एक जो आपका वेक्टर और दूसरा आपका हो गया स्केलर। स्केलर तो पहले स्केलर के बारे में जान लीजिए क्या होता है, उसके बाद वेक्टर के बारे में जानिएगा। मैंने तो स्केलर किसको बोलिएगा? स्केलर किसको भेजेगा? ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या आपका स्केलर, यानी वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाप होता है स्केलर कहलाता है। इसका क्या होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या आपका स्केलर। स्केलर अब बताना है कुछ एग्जांपल, ऐसा क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है जो केवल जिसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल आप लोग को बता चुके हैं, कुछ और बताइए। जैसे कि हम बोलते हैं सपोज एट एग्जांपल में 4 किलोमीटर की बोल रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर होगा क्या स्केलर होगा? यदि 4 किलोमीटर बोल रहे हैं तो ये आपका स्केलर होगा। 4 किलोमीटर किधर है क्यों बता रहे हैं ना? डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा है, ये किस में रहेगा आपका स्केलर में रहेगा ना? ठीक है, यदि बोलते 10 सेकंड ये क्या होगा? 4 सेकंड ये भी आपका स्केलर में, टाइम क्योंकि स्केलर में होता है। और क्या होगा 115 जूल ये क्या होगा स्केलर हो जाएगा। लेकिन यदि बोलते 10 न्यूटन ये क्या होगा वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तो वेक्टर की एग्जाम्पल लेना ही नहीं। और इसके अलावा क्या हो जाएगा स्केलर? डिस्टेंस हो सकते हैं, डिस्टेंस करके लिख जाएगा स्केलर हो गया। और क्या क्या हो जाएगा? मास होगा, सही बोले मास हो गया। और क्या लगता है? टाइम हो जाएगा। और क्या लिखा गया? स्पीड, स्पीड में आएगा। और क्या आएगा? नहीं वेलोसिटी नहीं होगा। इम्पल्स, इम्पल्स और एग्जाम्पल बताइए स्केलर का हो। क्या भी? और कुछ अब एक चीज बताते हैं आगे पढ़ना है, जो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर हो
तो श्योर है कि आपका अस्केलर में रहेगा। जैसे सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर आपका अस्केलर है तो हमेशा क्या आपका अस्केलर में होगा है। लेकिन यदि फंडामेंटल क्वांटिटी वेक्टर है सभी है तो अस्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। ये आगे पता नहीं कैसे होता क्यों होता है। तो अभी इतना याद रखना है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो अस्केलर मिल जाएगा और वेक्टर में क्या हो जाएगा इधर वेक्टर बता देगा वेक्टर मतलब सदिश। वेक्टर में क्या होती वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी जिससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आपका डायरेक्शन भी होता है नहीं क्या कहते हैं वेक्टर का नाम क्या लिखिएगा ये फिजिकल क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ठीक है इज कॉल्ड क्या इज कॉल्ड वेक्टर जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्या मतलब वेक्टर कहलाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल में स्केलर का लिए थे 4 किलोमीटर है ना अब उसी को वेक्टर के रूप में लिखना है कैसे लिखेगा हाँ 4 किलोमीटर हो गया 2 वार्ड है ना 2 वार्ड 9 इस तरह से लिखा गया देखिए वेक्टर बन गया 4 किलोमीटर है लेकिन किधर आपका नॉर्थ की ओर है उत्तर की ओर है देखिए अलग का वेक्टर हो जाएगा समझ रहे आप याद जैसे लिख रहे हैं 3 किलोमीटर 2 बार नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये क्या आपका वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट किधर होगा ओके नॉर्थ ईस्ट साइड नॉर्थ इधर है ना ईस्ट इधर है किधर होगा नॉर्थ ईस्ट समझ रहे चलिए 3 किलोमीटर 2 बार क्या पर नॉर्थ ये वेक्टर में आएगा और जैसे फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आता है डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा वेक्टर में आएगा और क्या रहेगा वेलोसिटी वेक्टर में आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर में आएगा फोर्स भी आ जाएगा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ये सब किस में आएगा वेक्टर में तो इतना ही समझ में आ गया चलिए ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ रहा है स्केलर खत्म हुए बस उतने तक अब जो भी जाना है केवल वेक्टर के बारे में वेक्टर को पहले कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा रिप्रेजेंटेशन का मतलब निरूपण उसको रिप्रेजेंट कैसे किया था वेक्टर को इसको जब भी लिखना कैपिटल लेटर है ना कैपिटल लेटर में ले और ऊपर आपका डैश दे रहा है सच है ए करके ऊपर इस तरह से डैश दीजिए कैपिटल लेटर और ए या बी इस तरह से करें या सी इस तरह से करें समझे आप या तो आपका बोल्ड लेटर में लिखा आता है बोल्ड लेटर क्या अपने बोल्ड लेटर बोल्ड का मतलब हो गया ए को इस तरह से करके लिखते हैं बोल्ड बोल्ड समझ रहे गाढ़ा है या आपका बी करके लिखे इस तरह से ये भी वेक्टर ही लिखा हुआ है या सी लिखा तो इस तरह से करके लिखे और इस तरह से ए करके ठीक कैपिटल लेटर में होता है या तो स्मॉल लेटर भी सकते हैं दोनों चलेगा कैपिटल लेटर भी आ रहा है क्या आपका स्मॉल लेटर भी लिखा है इस तरह से भी लिखिएगा बेटर ये भी बेटर लिखा था सेट में था होता था मैथ में उसमें जब भी था क्या कैपिटल लेटर लिखते थे और भी इस तरह से भी लिखा है तो इसमें दो कंडीशन होता है या तो लेटर के ऊपर एरो दीजिए रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फिर आपका बोल्ड करके लिखिए समझ आता है तो बेटर को दो तरह से रिप्रेजेंट करना है लेटर के ऊपर एरो देना है या तो आपका बोल्ड समझ में आ रहा होगा चलिए आगे यदि इस तरह से लिखा और उसको पढ़िए किस तरह ए वेक्टर या वेक्टर ए तो सिंपल हो गया जो बोल रहे हैं उसे पढ़ना है ना क्या पढ़ना है इसको रीड एज ए वेक्टर ये पढ़ना है या तो वेक्टर ए पढ़ना है वेक्टर ए
दोनों से बोल सकते हैं, ए वेक्टर या फिर वेक्टर। पढ़ने के लिए समझ में आ गया, लिखने के लिए समझ में आ गया, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं, ए बार मान लीजिए 4 किलोमीटर है, 2 बार ईस्ट है, 2 बार ईस्ट है, एक अल्टू केवल 4 किलोमीटर लेकर चलते हैं, एक अल्टू क्या 4 किलोमीटर, तो ए फैक्टर क्या होगा 4 किलोमीटर 2 बार ईस्ट होगा ना, 2 बार क्या लिखा आपका, क्योंकि यह स्केलर है तो केवल ए लिखा है, और ये क्या आपका वेक्टर है, 4 किलोमीटर 2 बार क्या आपका, तो ये वेक्टर ये है और ये आपका केवल ए दिया, तो दिक्कत तो नहीं आता। अब चलेगा टाइप ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया तो टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक होता है इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें इनिशियल पॉइंट मालूम हो वेक्टर का, एक वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट, ए वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट, मतलब वैसा वेक्टर जिसमें क्या करता है इनिशियल पॉइंट है, उसे हम क्या करते हैं इनिशियल वेक्टर का, इट्स कॉल्ड इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मालूम हो दिया हो तो क्या होगा इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये वेक्टर हम लिए हैं, ये आपका इनिशियल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट है वो पता चल रहा है ना, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा, इसका आप इनिशियल बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये क्या लगता है फाइनल पॉइंट, लेट आउट पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट। अब ऐसे देखिए वेक्टर को जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, समझे यहाँ पर जैसे वेक्टर को जो एरो से रिप्रेजेंट किया इस तरह से, तो इधर वाला को हेड करते हैं, इधर तीर उधर क्या हो जाएगा ए, इधर वाला को अपन टेल करते हैं, हेड मैंने चीर, इधर जो चीर उधर के बता रहे हैं, टेल का मतलब उछलना, ठीक इधर वाला इनिशियल पॉइंट इधर आपको टॉप पॉइंट, जिसमें इनिशियल पॉइंट रहेगा वो समझ लिया इनिशियल वेक्टर में, ये इनिशियल वेक्टर में आ गया, ये वेक्टर ले रहे हैं ये भी क्या होगा इनिशियल वेक्टर, इस तरह से वेक्टर लिए वो भी क्या होगा इनिशियल वेक्टर, क्या वो भी वेक्टर का स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, कोई वक्र लाइन हो सकता है, कर्व लाइन नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का तो डायरेक्शन फिक्स होता है, होता है तो स्ट्रेटिंग रहेगा नहीं, क्या ऐसा लिख सकते हैं कोई वेक्टर ए लिखा गया ऐसा नहीं लिख रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जब भी रहेगा आपका स्ट्रेट में लिख जाएगा, समझ आप। और एक और होता है वेक्टर, देखिए जो होता है आपका एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर में इनिशियल पॉइंट पता नहीं चलेगा, तो ऐसा वेक्टर बताए जिसमें इनिशियल पॉइंट नहीं पता चल रहा आपको, ऐसा एग्जाम्पल फिगर डायग्राम इसमें क्या देगा हैविंग नो इनिशियल पॉइंट, नो एनी इनिशियल पॉइंट, कैसा होगा वेक्टर कभी जिसमें प्रारंभिक बिंदु पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, अंत से पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बता सकते हैं सर्कुलर में रहेगा ऐसा वेक्टर ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चलेगा, चलेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ये आपका किस में गया एक्सियल वेक्टर में, समझे आप। चलिए एक्सेल वेक्टर सामने है, एक्सेल वेक्टर में दो टाइप से रोटेशनल होता है, एक इस टाइप से रहेगा एक इधर से रोटेट करेगा ना, और इसमें है कि इधर से रोटेट कर, जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं घड़ी किसी भी ऐसे ही घुमा रहेगा, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, एक एक्सेल वेक्टर जो होता है क्लॉक वाइज होता है, इसका ऐसे दो टाइप होगा,
जैसे कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर से पहले चलते हैं रेक्टिलिनियर वेक्टर, रेक्टिलिनियर वेक्टर। रेक्टिलिनियर या तो इसको पैरेलल ही बोल सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं हिंदी में? इसको समांतर सदिश, समांतर सदिश। दो वेक्टर लेना है, एक वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, एक ए हो गया और एक आपका बी हो गया। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों का दिशा सेम है, यदि पैरेलल हो तो क्या आपका पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। डायरेक्शन सेम है दोनों का, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो क्या आपका सिंपल हो गया ना, तो क्या आपका हैविंग सेम डायरेक्शन, सिंपल है ना, क्या है इसमें हैविंग सेम डायरेक्शन। इतना पॉइंट शॉर्ट कुछ समझ आ रहा है? इफ ऑल दोस वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। तो जरूरी नहीं है कि दो ही वेक्टर पैरेलल होगा, दो से ज्यादा भी होगा, तीन वेक्टर भी हो सकता है, तीनों वेक्टर पैरेलल होगा ना। यहाँ पर ए बी सी और डी, ए बी और सी तीनों क्या का पैरेलल है। एक होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या जिसमें अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा वेक्टर का, उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। जैसे कि वेक्टर ये ए हो जाएगा और ये वेक्टर आपका बी हो गया, ए का दिशा उधर और बी का दिशा इधर, ये आपका एंटी पैरेलल है। तो आपका क्या जाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर का बी, इसमें वो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट, इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर का दैट ऑफ बी। यानी सदिश वेक्टर ए का दिशा होता है वेक्टर बी के दिशा के क्या होता है विपरीत है, तो आपका एंटी पैरेलल कहलाएगा। पैरेलल भी समझ में आ गया, एंटी पैरेलल। तीसरा जो होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेगा? इक्वल का मतलब बराबर, दो वेक्टर बराबर का आप कहलाएगा जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी क्या आपका सेम रहेगा, वो दोनों वेक्टर आपका इक्वल कहलाएगा। तो क्या देखिएगा, ऑल द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ऑल द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। जैसे कि देखिए ये वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, जितना लेंथ ए का है उतना ही लेंथ क्या आपका बी का है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल है तो इसको आप ऐसे लिखे ए इक्वल टू बी लिखा है, समझ आया? दोनों वेक्टर इक्वल है तो क्या करके लिख दिया ए इक्वल टू बी, जिसमें दोनों सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी क्या आपका सेम होता है। नोट कीजिए, कितनी देर लगता है बताने में? नेगेटिव वेक्टर देखिए, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या आता है, दो वेक्टर क्या रहेगा जी और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे का क्या होगा नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखिए ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है
लेकिन डायरेक्शन क्या आपका अपोजिट है, तो आपका निगेटिव इफेक्ट है। तो क्या होता है, इसको अलग तरीका से डिफरेंस कर सकते हैं। एक तो हो गया कि दो फैक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड क्या आपका सेम हो, निगेटिव फैक्टर कहलाता है। या तो दो एंटी पैरेलल फैक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द निगेटिव फैक्टर। दो एंटी पैरेलल फैक्टर हो जिसका परिमाण क्या आपका सेम हो, उसे भी क्या कहते हैं, निगेटिव फैक्टर कहते हैं। तो क्या होता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू डाइट ऑफ क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू डाइट ऑफ क्या आपका बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू क्या आपका डाइट ऑफ बी that of be then each factor is called negative factor of each other. Negative factor of each other. यहाँ पर इसे देखिए, यदि दोनों का मैनेज ए का मैनेजमेंट बी के बराबर है और ए का दिशा बी के अपोजिट है तो ये दूसरे का क्या होता है, निगेटिव फैक्टर कहलाता है। जैसे कि देखिए, ए का मैग्नीट्यूड यदि मान लेते हैं, ए का निगेटिव फैक्टर क्या होता है, ए का निगेटिव फैक्टर बी हो यहाँ पर और बी का निगेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, ए होगा। बी का निगेटिव फैक्टर क्या होता है, ए हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए जाते किस तरह से करके, b का नेगेटिव फैक्टर ये होगा तो आप लिखिएगा a इक्वल टू होगा माइनस बी लिखा है, या तो b इक्वल टू क्या लिखिएगा माइनस ए लिखिएगा, बस नेगेटिव फैक्टर का इतना ही आंसर, a इक्वल टू माइनस बी और b इक्वल टू माइनस। इसके बाद जानना है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर बताएंगे ना तभी यूनिट वेक्टर समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश का मापांक। चलिए हिंदी में चलते हैं, मापांक। देखिए द मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या जाते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज द क्या का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर सिंपल। और वेक्टर ए के मॉडुलस वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए के मॉडुलस वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर समझ आता है। वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर मॉडुलस लिखना है तो इसको क्या लिखा आप, मॉड ऑफ ए, या तो आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है तो क्या लिखे आप, मॉड ऑफ ए करके लिखे। तो मॉडुलस पूछे या तो मैग्नीट्यूड पूछे उसको क्या करना आपको, मॉड ऑफ ए करके लिखे। अब इसका निकालने का तरीका होता है, जैसे कि यदि मान लीजिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक पहला स्टार मान के इफ ए कर टू इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स आई है प्लस वाई जे, जहाँ पर आई जे यूनिट वेक्टर होता है, आई एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर होगा और जे का तरफ वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर होगा। तो ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस इस तरह से निकलेगा, मॉडुलस जो होगा मॉड ऑफ ए तो लिखा गया ना, और मॉड ऑफ ए का मतलब वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकलेगा मॉडुलस। दूसरा स्टार में इफ यदि ए इक्वल टू दिया इस फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे अब प्लस आपका जेड के, तो इसका मॉडुलस किस तरह से निकाले, मॉडुलस बोलिए या तो मैग्नीट्यूड बोलिए सेम बात है ना, इसका मॉडुलस होगा मॉड ऑफ ए करके लिखा है और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर क्या होगा रूट, इस तरह से मॉडुलस करके निकलता है, मैग्नीट्यूड निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
ए बराबर मान लिए 2i है प्लस 3j है और प्लस माइनस भी है ऐसा लिखा हो तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल, ये वेक्टर है ना, ये क्या आपका है वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड निकालते क्या कीजिएगा मॉड ऑफ ए कीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर सब का अंडर रूट हो जाएगा, दो दूनी चार हो गया प्लस नौ प्लस एक यानी रूट अंडर 40, रूट अंडर क्या आपका 40, इस तरह से मॉडल कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक।